हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू फोटोग्राफी। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह का सीवी एडिटिंग। उसके साथ हैंड पे टैटू लगाऊंगा, उसके साथ आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा गोरा है, हेयर स्टाइल भी चेंज करूंगा, ठीक, और भी बहुत सारा काम करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड को ओपन करना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर, और पिक्सार्ट ऐप पे आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको साइड पे ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो फोटो है उसको ऐड करना होगा। तो गाइस देख सकते हो ये वाला फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली कटआउट पे क्लिक करना होगा। कटआउट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे पार्सन, वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। और हेयर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इरेज करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करते हैं, हार्डनेस को फुल कर लेते हैं और साइज को थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद हेयर के ऊपर कुछ इस टाइप से चला देते हैं, ठीक है, मतलब हेयर को थोड़ा सा कट कर लूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और सही तरीके से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना होगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से करने के बाद फोटो को डन कर देना होगा। फिर आपको क्या करना है, ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके एक हेयर पीएनजी को आपको ऐड करना होगा। तो गाइज ये वाला हेयर पीएनजी को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना होगा। यहाँ पे फ्लिप रोटेट पे क्लिक करके हेयर को रोटेट कर लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस टाइप से हेयर के ऊपर अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करना होगा, नहीं तो फेक लगेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से हेयर को लगा देना होगा। कुछ गलती हो जाता है तो आपको इरेजर पर क्लिक करके थोड़ा इरेज कर लेना होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हेयर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके बाद फोटो को डन करते हैं। फिर आपको क्या करना है, ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा कलर देना होगा, ठीक है। ड्रेस के ऊपर कलर देने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पे जाना होगा। उसके बाद आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको कलर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन दिखेगा कलर रिप्लेस का, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस वाला आइकन है। ये प्लस वाला आइकन को लेके आपको ड्रेस के ऊपर कुछ इस टाइप से छोड़ देना होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रेस के ऊपर आप जो भी कलर रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं तो ये वाला येलो कलर को रखता हूँ, ठीक है। और इरेजर पे क्लिक करके फेस के ऊपर जो कलर आ गया ये कलर को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इरेज कर लेना होगा। तो गाइस फेस को कुछ इस टाइप से गोरा कर लेना होगा। उसके बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और उसके बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस को आप इतना भी बढ़ा सकते हो, इतना भी घटा सकते हो, तो मैं तो बस इतना रखता हूँ और सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। इतना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद फोटो को डन करते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके एक टैटू पीएनजी को ऐड करना होगा यहाँ पे टैटू लगाने के लिए, ठीक है, ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके। तो गाइस ये वाला टैटू पीएनजी को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना होगा कुछ इस टाइप से और इसका ब्लेंडिंग पे जाना होगा। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसको कर देना होगा डार्कन, ठीक है। डार्कन करने के बाद आपको सही तरीके से इसको एडजस्ट करना होगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको इरेजर पे क्लिक करके आपको इन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है, और हैंड के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से चला देना होगा। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। तो गाइज ये हो जाने के बाद फोटो को राइट कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को आपको 20 कर देना होगा, ठीक है, 20 या 30 कर सकते हो, ठीक है। इतना बहुत ही बढ़िया लग रहा है, या मतलब 100 कर दोगे तो एकदम बेकार लगेगा, ठीक है, एकदम लगेगा कि एकदम कुछ लगाया है। और ये इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक, ओरिजिनल लगेगा। देख सकते हो गाइज एकदम फेक नहीं लग रहा है। इसके बाद राइट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके एक लाइट पीएनजी को ऐड करना होगा। गाइज ये वाला लाइट पीएनजी को ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग पे जाना होगा और इसका ब्लेंडिंग को कर देना होगा आपको स्क्रीन, ठीक है, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देने के बाद इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ओपेसिटी को भी आप
70 कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाने के बाद फोटो को डन कर देना होगा। देख सकते हो गाइस फोटो पहले कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सी बी एडिटिंग जैसा लग रहा है। तो यहाँ से फोटो को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ वाला आइकन पे क्लिक करके फिर से आपको ड्रॉ पे क्लिक करना होगा। साइड में आपको 3 डॉट दिख जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेव इमेज पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।